खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने संसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा संसद भवन में अपने वक्ताओं के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने के विरोध में सेंटर कोतवाली थाना पर कांग्रेसियों ने मांग की है कि संसद प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर मामला दर्ज किया जाए, जिसको लेकर कांग्रेसियों और पुलिस प्रशासन के बीच में काफी समय तक FIR दर्ज कराने को लेकर लंबी बहस का सिलसिला भी चलता रहा। वहीं गुस्साए कांग्रेसी नेताओं द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते कांग्रेसियों द्वारा थाना सेंटर कोतवाली पर गेट पर ही धरने पर बैठ गए। CSP थाना सेंटर कोतवाली द्वारा कांग्रेसी नेताओं को समझाइश देकर उनसे आवेदन लेकर जांच की बात कही गई। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि शायद मेरे को ऐसा लगता है कि गोडसे की विचारधारा इतनी प्रभावी हो गई है कि वो थाने के अंदर तक पहुँच गई है। इसीलिए महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, उनकी भावनाओं को, उनके खिलाफ कोई अपशब्द बोलने वालों के खिलाफ अगर थाना अगर FIR दर्ज नहीं कर रहा है तो हम भी महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, हम भी धरने में बैठे हैं, देखते हैं कब तक ये FIR दर्ज नहीं करते हैं। जब तक FIR दर्ज नहीं करेंगे, जब तक हम बैठे हैं, इनकी जो गोडसे की मानसिकता वाले जो थाना प्रभारी बैठे हैं अभी, इनकी मानसिकता को दूर करने के लिए हम गांधीवादी तरीके का अपनाएंगे और निश्चित रूप से अगर FIR नहीं दर्ज करेंगे तो फिर इनकी शिकायत जहाँ जहाँ करना है और किस हिसाब से करना है, आवेदन निवेदन धनादन वाली जो भूमिका निभाना वो करेंगे। नहीं, हम तो बैठे ही हैं, हम तो बैठे, बैठने का कोई लोड ही नहीं हमको, जब तक FIR दर्ज नहीं होगी जब तक बैठे। नहीं, वो टाल मटोल कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, सीधा टाल मटोल कर रहे हैं। उनका सीधा सीधा मतलब ये है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कैसे बचाएं। नहीं, वो उनकी चर्चा किसी से भी हो रही हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तो बैठे हैं ना हम, तो यहाँ तो बैठे हैं, कैसे नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी जैसे भैया देखो मेरी बात सुनो, थाने में अगर कुर्सी उपलब्ध नहीं है तो हम कहाँ बैठेंगे, ज़मीन पर तो बैठने से रहे। अब वो थाने के अंदर कुर्सी उपलब्ध कराने से हमने सूचना दे दी थी कि भाई हम इतने लोग आएंगे, उसके बाद थाने में कुर्सी उपलब्ध नहीं है तो ये थाना प्रभारी से प्रश्न करिए कि उन्होंने कुर्सी उपलब्ध क्यों नहीं कराई। तो हम सब सम्मानीय लोग हैं, कोई गुंडे बदमाश तो है नहीं। अब जहाँ भी जिसको अगर साधारण था, आप भी अगर आओगे आपको भी जगह नहीं मिलेगी तो बैठ जाओ कहीं भी, और हमने को अभद्रता तो करी नहीं कुर्सी की। अगर उस पर पाए में बैठ गए तो ठीक है, बैठ गए, उसमें कोई समस्या थोड़ी है। वो मुद्दा नहीं है, आप उसको मुद्दा मत बनाओ। जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं उस मुद्दे को मुद्दा बनाओ आप। आप ये फालतू की चीज़ों से बनाने से मुद्दा नहीं होगा मेरी। हाँ लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी कुर्सी भैया, आप अंदर से बैठो ना। और मेरा निवेदन है, हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए यहाँ FIR दर्ज कराने आए और आप कुर्सी टेबल की बात कर रहे हो, मतलब आप भी क्या नाथूराम गोडसे के साथ में हो गया? नहीं तो फिर कैसी बात कर रहे हो आप यार कुर्सी। अरे एक अधिकारी के सामने अधिकारी नहीं बोला, और उनसे ही प्रश्न करो आप, आप मेरे से प्रश्न मत करो। विवेक बाबू, ये बताओ आपने यहाँ पर मैंने इनसे, मैंने FIR दर्ज कराने आए हैं इसी बात के लिए, हमने इनको आगाह कर दिया था कि आज हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध कराने आएंगे, और हमने इनका काम आसान भी कर दिया। हमने बकायदा माननीय हमारे वकील मित्र जो हैं उनके थ्रू हमने धाराएं भी बता दी इनको कि 124A और 499 में प्रकरण पंजीबद्ध कर सकते हैं, वो धाराएं भी बता दी। अब वो बोलने की DPO से पूछेंगे, CSP साहब से पूछेंगे, SP साहब से पूछेंगे, जबकि ये तो कर सकते हैं, इनके हाथ में। आप प्रकरण पंजीबद्ध करें, प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद जाँच में डालें, ये तो होता ही है। हमेशा कई मामलों में ऐसा होता है कि जिसमें पहले प्रकरण पंजीबद्ध होता है उसके बाद उस पर जाँच होती है, तो आप प्रकरण पंजीबद्ध कर लो और उस पर जाँच कर लो। मेरा ये निवेदन है कि हम प्रकरण पंजीबद्ध करा के ही जाएं। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में जब BJP की सरकार हुआ करती थी तो मामूली बातों पर भी मामला पंजीबद्ध किया जाता था, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली संसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा संसद भवन में जिस प्रकार देशभक्त बताया गया है उस पर FIR दर्ज कराने की वजह कांग्रेसियों को दबाया जा रहा है, जिसकी शिकायत कांग्रेस कमेटी के आला नेताओं को की जाएगी। इंदौर से यशवंत पंवार की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।